तो भाई लोग क्या हालचाल आपके मास महाराजा एक्टर रवि तेजा की अपकमिंग मूवी टाइगर नागेश्वर राव का जो है ऑफिशियल टीजर हमको देखने को मिल चुका है एंड टीजर काफी सही है। मतलब टीजर को देखकर काफी कट्टर वाली वाइब्स आती है। इससे हमें पता चलता है कि मूवी के अंदर रवि तेजा का जो कैरेक्टर होगा वो काफी ज्यादा खूंखार होगा। दोस्तों मूवी का बजट है पूरा 50 करोड़। जी हाँ, एंड जिस तरह की फैन फॉलोइंग है ना रवि तेजा की, ये मूवी इतना तो आराम से कवर कर लेगी। अगर भाई मूवी की डायरेक्शन अच्छी हुई, स्टोरी अच्छी हुई तो दुगना तिगना भी कमा लेगी। दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित होगी, एक चोर की बायोपिक होगी। जी हाँ, एंड भाई साहब वो चोर कैसा था, उसके कारनामे शायद इस मूवी में बताए जाएंगे। और दोस्तों ये जो टीजर था 1 मिनट 20 सेकंड का था। स्टोरी का तो भाई इन्होंने इतना कुछ नहीं बताया, इतना स्टोरी का आइडिया नहीं लगता, मगर इससे पता चल जाता है ऐसे चोर की कहानी होगी जिससे हर कोई थरथराता होगा, पुलिस वाले डरते होंगे, 50-50 कोस दूर इनका नाम पूछता होगा। एंड भाई रवि तेजा का जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था वो भी काफी ज्यादा बढ़िया था कि अगर वो स्पोर्ट्स में जाते तो वो मेडल लाते, आर्मी में जाते तो युद्ध लड़ते, और अगर वो पॉलिटिशियन होते तो चुनाव जीत जाते अपने दिमाग से। काफी ज्यादा बढ़िया लगता भाई वो सिचुएशंस, और भाई काफी ज्यादा एक्शन सीन्स थे। और भाई ये मूवी हमें ये भी बता देती है कि काफी तगड़े VFX फीचर्स भी होंगे। भाई जो आजकल दौर चला है ना मास सिनेमा का, जिस तरीके से सलार KGF कि भाई हीरो ही विलन होगा वही कट्टर होगा, एंड सेम यहाँ पर भी हमें कुछ कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, यानी कंप्लीट मास सिनेमा इस मूवी के अंदर होगा काफी तगड़े वाला। और भाई साहब तगड़े तगड़े एक्टर हैं मुरली शर्मा एंड भाई अनुपम खेर, तो एक्टिंग का डिपार्टमेंट भी काफी तगड़ा है, एक्टिंग भी काफी ज्यादा बढ़िया होगी। भाई जो BGM वो काफी ज्यादा बढ़िया, उसको सुनकर भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टीजर काफी ज्यादा बढ़िया है, टीजर के अंदर कोई कमी तो है ही नहीं। नहीं भाई, टीजर के अंदर हमें कमियां भी देखने को मिल जाती है। जैसे ही भाई जिस भी बंदे ने इसका टीजर काटा है सब कुछ फास्ट पेस कर दिया है, बहुत कुछ समझ में नहीं आता, ठंडा करके गर्म कर देते हैं, क्या कर रहे हैं ये। एंड कुछ ऐसे सीन्स है जो बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल लगते हैं, ऐसे एक्शन सीन्स जैसे कि वो रस्सी से रेल के पास को जाना। भाई 90s टाइम पे ऐसा कुछ चल जाता था, मगर अब इधर उधर थोड़ा ज्यादा ही हो चुका है। भाई इतनी हाइप नहीं है इस मूवी की, क्या पता ट्रेलर इसकी थोड़ी हाइप बना दे, लेकिन भाई मूवी के मेकर्स ने बहुत ज्यादा गलती करी है, मैं तो कहता हूं बहुत बड़ी बेवकूफी करी है। जी हाँ, टाइगर नागेश्वर राव को भाई रिलीज किया जाएगा 20 अक्टूबर को, एंड इससे एक दिन पहले लियो मूवी आने वाली है थिएटर्स के अंदर, समझ रहे हो, लियो। भाई लोकेश कनकरा सर इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे, तलपति सर इसके अंदर लीड में होंगे। भाई इसका कनेक्शन LCU यूनिवर्स से है, विलन के रोल में संजय दत्त एंड टोनी दास। भाई छोटे छोटे क्लेम्स के लिए जो पब्लिक पागल हो रही है, एंड इस मूवी की हाइप सीधा आसमान पर जा रही है, और भाई जाएगी भी क्यों नहीं। भाई लोकेश कनकराज सर की हर मूवी फेस्टिवल्स की तरह होती है, इनकी हर मूवी जो है मास्टरपीस ही होती है, एंड यहाँ पर इनकी बेवकूफी है। और ये क्या सिस्टम चल रहा है भाई, बड़ी बड़ी मूवी के साथ क्लैश, जैसे कि विवेक अग्निहोत्री जी अपनी मूवी द वैक्सीन 4 को भाई सालार मूवी के साथ क्लैश करेंगे। जी हाँ, सालार मूवी के साथ, भाई प्रभास अन्ना है उसके अंदर एंड KGF वाले सालार इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो भाई एक आध मूवी को मिल जाती है, सभी को नहीं मिलती। एंड यहाँ पर टाइगर नागेश्वर राव बहुत ही बुरी तरीके से गिर सकती है, ऐसी गिर सकती है कि दोबारा उठ भी नहीं पाएगी। बाकी हम तो क्या कह सकते हैं भाई, इनके मेकर्स की मर्जी है, इनकी मर्जी क्या ही करेंगे, देखते हैं क्या होने वाला है। तो ऑल ओवर भाई टाइगर नागेश्वर राव मूवी का टीजर मुझे ठीक लगा, बाकी देखते हैं मूवी कैसी होती है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।